नमस्कार, मैं हूं विभव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। टीम इंडिया के ऑलराउंडर इरफान पठान के सीपीएल से जुड़ने की खबर पर एक नया अपडेट सामने आया है। खबरों की माने तो इरफान पठान ने एक बीसीसीआई के एक अधिकारी के कहने पर अपना नाम कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए भेजा। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको बता दें कि बीसीसीआई की तरफ से साफ निर्देश है कि कोई भी भारतीय पुरुष क्रिकेटर जो या तो वो इंटरनेशनल लेवल का हो या फिर डोमेस्टिक खेल रहा हो, को किसी भी लेवल का क्रिकेटर हो, वो किसी भी विदेशी लीग में नहीं खेल सकता। उसे विदेशी लीग में खेलने के लिए दो सूरतें चाहिए होती हैं, या तो बोर्ड की तरफ से उसे एनओसी मिल जाए या फिर वो इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में से संन्यास ले चुका हो। और ऐसी ही दोनों सूरतें अभी इरफान पठान के केस में नहीं हैं। सूत्रों की माने तो बोर्ड के एक अधिकारी ने इरफान पठान को यहाँ तक एक सलाह दी है कि अगर इरफान का नाम कैरेबियन प्रीमियर लीग में आ जाता है तो वो बैक डेट में जाकर अपने रिटायरमेंट का घोषणा कर सकते हैं। हालांकि अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आजकल के डिजिटल युग में कौन सा खिलाड़ी कब खेल रहा है, कब रिटायरमेंट ले रहा है या क्या कर रहा है, ये सबको पता होता है। ये सिर्फ ना सिर्फ फैंस को पता होता है बल्कि बोर्ड के मैनेजमेंट और स्टाफ और बाकी रिलेटेड लोगों को भी पता होता है। तो ऐसे में बैक डेट में जो अनाउंसमेंट रिटायरमेंट अनाउंसमेंट घोषणा की जो ये सूत्र खबर बता रहे हैं, ये जरासर जो वास्तविकता में संभव नहीं है। जाहिर है कि ये बिल्कुल असंभव से दिखने की बात है, लेकिन ऐसे में इरफान पठान का सीपीएल का भविष्य क्या होगा ये वक्त बताएगा। हालांकि फैंस यही उम्मीद कर रहे होंगे कि इरफान पठान को का नाम सीपीएल में आ जाए और बीसीसीआई की तरफ से उन्हें एनओसी मिल जाए, ताकि इरफान पठान की स्विंग का मज़ा जो पिछले कुछ अरसे से भारतीय फैंस नहीं देख पा रहे हैं वो उनको देखने को मिले और उनके खेल का वो आनंद ले सकें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।